स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो समरसेट और ससेक्स के बीच में सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा इंग्लिश टी20 ब्लास्ट कप का, और साथ ही में हम बात करने वाले दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। इससे पहले जो मैच खेला जाएगा लंकाशायर और वर्चेशायर के बीच में, ये फर्स्ट सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा इंग्लिश टी20 ब्लास्ट कप का। तो इस मैच की मैंने आपको टीम दी थी, लेकिन एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है, तो उस न्यूज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अपनी टीम में कालम फर्गुसन को पिक किया, लेकिन कालम फर्गुसन इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपनी टीम में कालम फर्गुसन को नहीं लेना है। अगर आपने अपनी टीम में लोगे तो आपका प्लेयर मिस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कालम फर्गुसन को ड्रॉप करके आप जेम्स फोकनर को अपनी टीम में ले सकते हो, या आप जेम्स फोकनर को नहीं लेना चाहते तो आप अपनी टीम में एरोन लिली को भी अपनी टीम में ले सकते हो, या रोज वाइटली को भी अपनी टीम में ले सकते हो। लेकिन मैं अपनी टीम में जेम्स फोकनर को लूँगा, क्योंकि हमें बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो ये मेरी टीम रहेगी, इस टीम के साथ आप खेल सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप इस टीम में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी टीम में कालम फर्गुसन को पिक नहीं करना है, क्योंकि वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो समरसेट और ससेक्स के बीच में जो सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, और आप जानते हो ड्रिल में आगे बहुत सारे मैचेस खेले जाएंगे। तो अगर आपको इन सारे मैचेस के कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास ही में जो बेल आइकन का बटन है आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले भाई वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करने वाले ससेक्स के टीम न्यूज के बारे में। तो राशिद खान टीम से आउट हो चुके, तो आपको अपनी टीम में राशिद खान को पिक नहीं करना है। आगे बात करते हैं कि इस मैच में ससेक्स की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है। फिलिप्स ओल्ड और लुक वाइट, तो ये आपको दोनों यहाँ से ओपनिंग करते हुए जा सकते हैं। लुक राइट बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन फिलिप सोल्ड बहुत अच्छे फॉर्म में है। लॉरेन इवंस, डेल रे, लॉरेंस मिचेल, बर्गेस, डेविड विसे, जोफ्रा आर्चर, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में। क्रिस जॉर्डन साथ में ठीक ठाक बैटिंग भी कर सकते हैं। डेनी ब्रिक्स, विल बियर और टाइमर मिल्स, तो ये प्लेइंग इलेवन हो सकती है ससेक्स की इस मैच के लिए। आगे बात करते हैं कि इस मैच में समरसेट की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है। जोहान माइब्रेक, स्टेवन डेविस, ये दोनों आपको यहाँ से ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। पीटर ट्रेगो, जेम्स हैडर, टॉम एबेल, कोरी एंडरसन, लेविज जॉर्ज, रिलो वेंडर मार्वे, जेमी ओवरटन, टेलर और मैक्स वोलर, तो ये प्लेइंग इलेवन हो सकती है इस मैच के लिए समरसेट की। बाकी अगर कोई चेंज होना चाहता है तो एक चेंज हो सकता है, स्टेवन डेविस की जगह टॉम बेंटन को टीम में मौका मिल सकता है, तो ये एक चेंज हो सकता है। बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए मुझे लगता है एकदम सेफ रहने चाहिए इस मैच के लिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो कि एकदम फ्री है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। हम आगे बात करने वाले हैं 11 विकेट्स की ऐप के बारे में। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक मिल जाएगी। हम बात करने वाले सेम मैच के बारे में, जो ससेक्स और समरसेट के बीच में सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। तो हम इस मैच की बनाएंगे 11 विकेट्स की टीम। तो यहाँ पे मैंने अपने विकेट कीपर सेक्शन में माइकल बर्गेस को लिया। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी टीम में टॉम बेंटन और एलेक्स डेविस, इन दोनों में किसी एक को पिक कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों प्लेयर आपके लिए इस मैच के लिए रिस्की रहने वाले हैं। बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे लुक राइट, टॉम एबेल, फिलिप सोल्ट और लॉरेन इवंस, तो इन चार बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया है। बात करते हैं हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे रस्सी वेंडर, रिलो वेंडर मार्वे, विसे और कोरी एंडरसन, तो इन तीन ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में लिया। बात करते हैं हमारे बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे टाइमर मिल्स, डेनी ब्रिक्स और मैक्स वोलर, तो इन तीन बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में लिया है। हम करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन का लुक वाइट को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया यहाँ पे कोरी एंडरसन को। तो यही मेरे 11 विकेट्स की टीम रहने वाली, इसी टीम के साथ मैं खेलने वाला हूँ। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस टीम में एक दो चेंजेस होने चाहिए तो आप अपने हिसाब से एक दो चेंजेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऐप है, अभी इस ऐप में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं, तो आप इसमें खेल के अच्छा विन कर सकते हो। लेकिन एक बार आपको 100-200 रुपये इस ऐप में डिपॉजिट करने होंगे, क्योंकि आप इसमें कम अमाउंट डिपॉजिट करोगे, अच्छा अमाउंट आप विन करके इसमें विड्रॉल कर सकते हो। जो भी आपका विड्रॉल अमाउंट होगा वो आपको 30 मिनट के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट एकदम सेफली पहुँच जाएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आगे बात करने वाले लकी सेवन ऐप के बारे में। अगर आपको इस ऐप को भी डाउनलोड करना हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक और मेरे रेफरल कोड मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रेफरल कोड के साथ साइन अप करते हो तो आपको इसमें 25 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। हम
इस ऐप में भी बात करने वाले सेम मैच के बारे में जो ससेक्स और समरसेट के बीच में खेला जाएगा, तो हम इस मैच की बनाएंगे लकी सेवन की टीम। तो इस ऐप का नाम है लकी सेवन। तो आपको इस ऐप में सिर्फ 7 ही प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना है जो आपको लगे कि ये 7 प्लेयर इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ससेक्स के प्लेयर के बारे में, तो यहाँ पर मैं अपनी टीम में लुक राइट, जोफ्रा आर्चर, विसे और लोरेन इवेंस, तो इन 4 प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में लिया ससेक्स की तरफ से। अगर आप चाहते हो तो आप एक टीम से भी 7 प्लेयर्स को अपनी टीम में ले सकते हो। बात करते हैं समरसेट के प्लेयर्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं अपनी टीम में पिक करूँगा मैक्स वोलर, हम पिक करेंगे टॉम एबेल, लेवी जॉर्ज और हम अपनी टीम में पिक करने वाले हैं यहाँ पे हाइड्रेट को। तो हम करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो मैं अपने इस टीम में कैप्टन बनाने वाले हूँ लुक राइट को, वाइस कैप्टन में बनाऊंगा यहाँ पे जोफ्रा आर्चर को, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। तो हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं हम लीग्स के बारे में। तो इसमें हेड टू हेड की लीग, 3 मेंबर की लीग, 5 मेंबर की लीग और 10 मेंबर की लीग, ये सारी इसमें अवेलेबल है। बात करते हैं हम हेड टू हेड की लीग के बारे में, तो आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी हेड टू हेड की लीग्स होगी वो आपके सामने सारी ओपन हो जाएगी, आप कोई भी लीग्स में ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना होगा। प्रोसेस टू पे पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट टीम पे क्लिक करना होगा। क्रिएट टीम पे क्लिक करते करने के बाद आपका जो टीम है वो एकदम सक्सेसफुली लीग में ज्वाइन हो जाएगी। तो आप इस ऐप में खेल सकते हो और अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो, और आप इस ऐप का जो भी अमाउंट होगा वो आप पेटीएम में भी विड्रॉल कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन लकी सेवन ऐप के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए ड्रीम इलेवन की टीम बनाई है। तो यहाँ पे भी आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपके लिए जो एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है मिचेल बर्गेस का। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्टीवन डेविस और टॉम बेंटोन इन दोनों में से कोई एक खेलने वाले हैं। 90% यहाँ पे स्टीवन डेविस खेलेंगे, लेकिन 10% चांस यहाँ पे टॉम बेंटोन को भी रहने वाले हैं, लेकिन मैं अपनी टीम में सेफ जाऊँगा और मैंने माइकल बर्गेस को अपनी टीम में लिया है। बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे लोरेन इवेंस, जेम्स हाइडरथ, कोरी एंडरसन, फिलिप सोल्ट और टॉम एबेल, तो इन 5 बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया है। बात करूँ और ऑप्शन के बारे में, तो आप अपनी टीम में लुक राइट को एकदम सेफली ले सकते हो। पीटर ट्रेगो आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, माइब्रक आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है, और यहाँ से आपके लिए लोरेंस एकदम सेफ ऑप्शन, बाकी कोई भी आपके लिए सेफ ऑप्शन है नहीं। बात करते हैं हम ऑलराउंड सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे लेविस और डेविड विसे, तो इन 2 बेस्ट ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में लिया। अगर आप एक से ज़्यादा ड्रीम इलेवन टीम बनाते हो तो जोफ्रा आर्चर, इलो वेंडन मार्वे, ये 2 भी आपके लिए सेफ ऑप्शन और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे दोनों के दोनों, बाकी कोई भी आपके लिए सेफ ऑप्शन है नहीं। हम आगे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे डेनी ब्रिक्स, जेमी ओवरटन और मैक्स वोलर, तो इन 3 बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में लिया। ऑप्शंस की बात करूँ तो आप अपनी टीम में क्रिस जॉर्डन, टाइम मिल्स और यहाँ पे टेलर, इन 3 का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। और नीचे से मैं बात करूँ तो आपके लिए विल बीर का एकदम सेफ ऑप्शन है, बाकी कोई भी आपके लिए सेफ ऑप्शन है नहीं। तो हम करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन रखा है लेविस को, जो बहुत अच्छे फॉर्म में और साथ में अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग कराते हैं, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। और वाइस कैप्टन मैंने बनाया यहाँ पे लोरी इवेंस को, ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में। तो हम करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की। तो ये मेरे ड्रीम इलेवन की टीम का फाइनल प्रीव्यू रहेगा, इसी टीम के साथ मैं ड्रीम इलेवन में खेलने वाला हूँ। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर आपको लगता है तो आप इस टीम में अपने तरह से 1-2 चेंजेस कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने हिसाब से इस टीम में चेंज करके खुद से भी बेटर टीम बना के आप अच्छा विन कर सकते हो। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।